किसिंग पॉइंट यहाँ पे आपकी मुझे कम आसान नहीं फिर क्या परमिशन दे रहे हैं ना आप कौन सा करके दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अहमद असीब और मेरे साथ आज हैं अवैस भाई जो कि मेरे यहाँ पे होस्ट हैं और 4-5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और सुनाए अवैस भाई, क्या हाल है? अवैस भाई के साथ आज ईद के दिन मैं निकला हूँ निज़ामी स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कुछ है और अवैस भाई से हमें मज़ीद क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है बाकी के मतलब और ये निज़ामी स्ट्रीट के मतलब यहाँ के लोगों के मतलब जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेगी। मालाकंड पार्क कहते हैं, मालाकंड पार्क, ये मालाकंड इसका कोई सही नाम है? पाकिस्तानी नाम डाला हुआ मालाकंड, ये मालाकंड पार्क कहते हैं। अच्छा ठीक, शाम में क्लब ओपन होता है, शाम में क्लब कौन सा? ठीक, ये इसका मेन स्ट्रीट के अंदर एक छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ तो बच्चियाँ भी हैं, बच्चे बच्चियाँ सब मिलती हैं, मतलब मिलती हैं यहाँ पे, इजी है। अच्छा, हमारे मुल्कों वाला नहीं है साहब की, हमें ढूंढने में मुश्किल होगी। हाँ, वॉक करेंगे उतनी लड़कियाँ आपके हाथ में होंगी। ये तो बात ठीक है, हमारा हाथ चलो ठीक है, हम अपना हाथ नहीं अभी दिखाते। बाकी पार्क अच्छा है, पार्क अच्छा है, बिल्कुल छोटा सा है, लोग तो हाँ बिल्कुल बेहतरीन, लविंग है, बड़े लविंग है, इनके लड़कियाँ लड़के लविंग है, बिल्कुल शादी करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अच्छा, शादी इजी कर सकते हैं। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? हो गया 2-3 साल तो हो गए हैं। अच्छा, कितने को कर चुके हैं अब तक? मैंने शादी नहीं की, मेरी दोस्त ने काफ़ी अच्छे। अच्छा, छोटी ये आज ईद है, ईद की वजह से हमने ये जरा मैंने शलवार कमीज पहनी हुई है, उतार दी, मैंने कहा चलो आज कर लिया। अच्छा वैस भाई, बताएं आपने 4-5 साल में यहाँ पे क्या खोया क्या पाया? सर खोया तो कुछ नहीं पाया ही पाया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, लोगों को काफी लोगों को सेट कर चुके हैं। अच्छा, लोगों को अच्छे रेस्टोरेंट बना के दे चुके हैं। अच्छा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, जॉब आपको मिल जाए। अच्छा, अगर आपको कोई स्किल है जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसी कोई कंपनीज और बैंकिंग में है तो आप जॉब गेट कर सकते हैं अच्छी। अच्छा, लेकिन उसके अलावा कोई चांस नहीं है जॉब का, ऐसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे, जॉब्स वगैरह काफ़ी है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, अगर आप एक दफ़ा कैमरा घुमा के दिखाएं तो ये सब टूरिस्ट है, तो ये सब टूरिस्ट आए हुए यहाँ पे। इसमें आपको डिफरेंट कंट्री के, पाकिस्तान, इंडिया, इवन के बांग्लादेश भी, और मोस्टली अरेबिक कंट्री से आए हुए हैं, दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, काफ़ी लोग आए हुए हैं। क्योंकि आफ्टर 5 डेज आपको ये जो क्राउड है डबल हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी तो आज यहाँ ईद है, पाकिस्तान में कल ईद है, तो ईद गुजार के लोग 4-5 दिन बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रश पाया जाएगा, यहाँ काफ़ी रश हो जाएगा। और फिर आपको होटल एवन के फुल मिलेंगे, स्पेस नहीं मिलेगी, और जो होटल का रेंट होगा 25 मनाट 30 मनाट 40 मनाट वो 1700 पे चला जाएगा। मैं घूम फिर चुका हूँ तकरीबन ये सारा ही इलाका, और माशाल्लाह यू नो इलाका बाज़ खूबसूरत नहीं होता, यू नो उसमें जो लोग अच्छे खूबसूरत हैं, डिसेंट पर्सनैलिटी, यहाँ देखा कोई ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसने जो अच्छी ड्रेसिंग नहीं की, सब लोग साफ सुथरे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, अच्छी ड्रेसिंग। मैं अक्सर सोचता हूँ यार इसी तरह की बिल्डिंग जो है ना वो लाहौर में भी है, लेकिन वहाँ पे लोग उस तरह के नहीं है, वहाँ पे रेडी वाला कोई आवाज दे रहा है, वो कोई वहाँ से निकल रहा है मोटरसाइकिल मार रहा है धड़ल करके, बंदा बच बच के निकलता है। ये वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ पे, तो वैसे भी आई थिंक वो व्हीकल्स अलाउड नहीं है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल कॉफी प्राइस है, इतना कोई इशू नहीं, वन बिल्कुल वो मैं वीडियो खाते हैं तो अच्छा, अब मैं वीडियो बना चुका हूँ। हेलो हेलो, how are you? How are you? Good, good. How are you? You're from? I'm from Pakistan. Oh, Pakistan. ये भी पाकिस्तानी मिले हैं हम इन Pakistan. हाँ, मुझे भी शक्ल से पाकिस्तानी ही लग रहे थे। कैसे हैं आप? आपके चैनल का नाम क्या है? अहमद हसीब। बहुत पॉपुलर चैनल है। इतना नहीं है यार। हो जाएगा। अब हम आ गए हैं आपके यहाँ। अब हम आ गए हैं ना, हो जाएगा। इंशाल्लाह। हेलो। अहमद हसीब भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करें सर। वो तो करना पड़ेगा। फिर अनलाइक करें। हम अपने लाइक करें। लाइक करें। जी, तो कुछ पाकिस्तानी बशिंदे मिल गए थे, उनसे हमारी गपशप हुई है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ के लोगों पे। तो लोग माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी अच्छे हैं, हर जगह पे एक अच्छा, और पाकिस्तानियों से तो बड़ा लव करते हैं और ये बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, वो क्या वो भाई भाई को कहते हैं, घर घर घर।
तो वो मिलते हैं पाकिस्तानी क्या गर्दिश गर्दिश मतलब भाई भाई टाइप कुछ रिस्पेक्ट देते हैं। खाने पीने पे भी एक दो होटल पे भी गया हूँ, वहाँ पे भी वो एक बंदा कर रहा था कि फ्रॉम मी, मैं क्या नहीं कोई मसला नहीं रखो पैसे बिल्कुल, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रिस्पेक्ट को इस तरह बनाए रखें कायम रखें बिल्कुल, और हम लोगों को अच्छा गाइड करेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे इस कंट्री की तरफ बिल्कुल। दुबई वगैरह ठीक है लेकिन यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी है बिल्कुल, और एक तो यहाँ के लोग जो हमारे साथ कोऑपरेटिव है हर चीज़ में ठीक है। अच्छा यहाँ की फूड से मतलब आप कुछ बात कर रहे थे, फूड इधर का चीप है इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पर तो है लेकिन स्पेशल यहाँ पे स्पेशल आपको खाने में हर चीज़ मिल सकती है पाकिस्तानी इंडियन मिलती तो हर है, लेकिन वो होता ना किसी इलाके की एक रेगुलर आइटम या एक स्पेशल आइटम है स्पेशल आइटम, वो इनका जो लोकल फूड है ना वो आप समझ लें स्पाइसी नहीं है। अच्छा स्पाइसी वो तो अच्छी बात है, लाइक नहीं करते। अच्छा पाकिस्तानी जो मोस्टली है ना वो है क्या कौन सी चीज़ है वो, उसमें आप ये नॉर्मल पाकिस्तानी चिकन आलू बीफ आलू ठीक इनके इस तरह के चीज, और इनकी एक रोटी बनती है जैसे हम आलू वाली रोटी या मूली वाली रोटी नहीं बनाते पाकिस्तान में, उसमें ये कुछ कीमा वगैरह डालते हैं वेजिटेबल डालते हैं, ऐसी रोटी बनाते हैं वो अच्छे हैं, यानी कि आप ये देसी माहौल बने ठीक हो गया। और देसी के अलावा अगर आपको वलायती चाहिए तो सामने पिज़्ज़ा हट और KFC भी है, उस तरफ मैकडोनल्ड भी है, सब कुछ अवेलेबल है। ये देखें एक आंटी हमें मिल रही है वो अपने रेस्टोरेंट में लेके जा रही है, ये चीज़ें वो बनाते हैं, ये देख सकते हैं ये चीज़ें वो बना रही हैं, क्या भाई को क्या थोड़ा सा उनके रेस्टोरेंट में चले, और ये देखें आंटी हेलो से हेलो अच्छा ये क्लब भी है हार्ड रॉक कैफे जो कैफे एंड क्लब है, कैफे एंड क्लब जी यहाँ का जो सबसे मशहूर यही है कैफे एंड क्लब, कैफे एंड क्लब जो है ये हार्ड रॉक है ठीक, मतलब डांस है पार्टी माहौल सब हर चीज़ मिलेगी यहाँ, सब कुछ मिलेगी यहाँ लीगल है यहाँ पे, कोई पता नहीं आंटी कुछ कहना चाहते 1908 का है यहाँ पे सारी बिल्डिंगे भी मेंटेन है और सारे लोग भी वेल मेंटेन्ड है। जी ये स्वीट है यहाँ की जो कि मैं खा चुका हूँ पहले किसी और बेकरी से, और बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार आइटम है, और मिठाई के एतबार से दुबई बदनाम है वहाँ पर, तो अच्छी चाय नहीं मिलती है शायद मेरे मनो नहीं लगी, लेकिन ये बेहतर है। फॉर यूट्यूब यू आर ओके नो कितना बच्चों करें लो जी काफ़ी मिठाइयाँ उन्होंने ट्राई की जिसमें से एक डब्बा फिर हमने ले लिया, और अवैस भाई किधर है, तो अवैस भाई पीछे रह गए जी, तो अवैस भाई आपने वो कोई क्लब वाला मोहल्ला लेके जाना था, वैसे तो हर जगह भी क्लब हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई एक स्पेशल क्लब स्ट्रीट है यहाँ। शाम ऐसी है कि अगर कोई आप घुमाने वाला अच्छा हो तो यहाँ पे आप बोर नहीं होते रात सुबह। यार आपको आपको किस लिए हम लेके आए हैं, हमें मैं कहता हूँ ऐसा घुमा दो कि हम ऐसे घूम रहे हैं बोते ही घूम गए। अच्छा तो ये है क्लब स्ट्रीट, वहाँ से लेके यहाँ तक सजे खबे क्लब हैं। अच्छा एन्वायरमेंट के लिए लोग कहते हैं जो थोड़ा सा बेड वर्क यूज़ कर लेते हैं, अयाशी लोग करने के लिए कहते हैं कि हम यहाँ पे अयाशी करने आएंगे। अच्छा अयाशी तो आप कहीं भी कर सकते हैं अगर पैसा आपके पास ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छा अच्छा फील हो रहा है, आपके वेदर अच्छा है ऐसे क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में आवाम अच्छे हैं बिल्कुल, और पाकिस्तान में जो लोग हम लोग जाते हैं निरान का गान में इतना एक्सपेंस करके आ जाते हैं 2-3 लाख रुपया फैमिली लेकर, बिल्कुल अच्छा आप यहाँ पे अज़रबैजान में हैं हाँ, लेकिन फैमिली हाँ थोड़ी कॉस्ट फैमिली के साथ बढ़ सकती है, फैमिली के साथ कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपके साथ कोई आपका जो गाइड है वो अच्छा है तो आपको हर चीज़ मुनासिब कीमत में आपने बात छेड़ी क्लब की, क्लब क्लब वाला क्या सीन है, वो क्लब स्पेशल होती है वहाँ कोई यहाँ लोकल लोकल क्लब के लिहाज से, लेकिन क्लब में जो कैटेगरी होगी वो उस लिहाज से होगी कि क्लब है। अच्छा ठीक है उसको तो जारी बात है, आप उनके साथ बैठेंगे आप अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो उसी चीज़ में खुश होते हैं ठीक, लेकिन उनको चाहिए हम फ्रेंडली हैं कम उनके साथ, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारी एक ही बात बहुत होती है कि लड़की आ गई हमारे साथ बैठ गया तो हम उसको साथ लेंगे बस अपने, और ये चीज़ें थोड़ा सा हाँ जो भी है उसको
आपको थोड़ा सा अच्छे वे मिले, आपको वॉकिंग टॉकिंग करते हुए भी लोग काफी फ्रेंडली हैं, लड़कियां भी काफी हेलो हाय करें, हेलो हाय करें, आप पिक्चर लेना चाहे पिक्चर ले लें, कोई इशू नहीं, ऐसे ही किसी को किसी के साथ ही देखे तो देखते तहजीब में रहते हुए पाकिस्तानी है, हम लोग ऐसे ही है। मैं तो जब पहले दिन आया हूँ तो मैं अपने अध्ययन जा रहा हूँ तो तीन चार लड़कियाँ थी वो आके मुझसे पूछने लगी यार वो फॉरन पाकिस्तानी हो, वाह वो गुड, काफ़ी थोड़ी बहुत गप शप लगी थी, फिर वो मतलब बड़ा अच्छा फील हुआ। प्रेसिडेंट की तरफ से था जो हमारे इमरान खान साहब थे, अल्लाह ताला उनको दोबारा लेके आए हमारे मुल्क में, और हमारा रिस्पेक्ट हमारी उन्हीं की वजह से, क्योंकि हम लोगों के साथ अच्छा रह रहे हैं, उनकी वजह से इस्लामी रियासत बन रही थी, काफ़ी अच्छा। अच्छा ठीक, अभी देखिए हमारे मुल्क में क्या होता है, इवन कि यहाँ के लोग तो वो उम्मीद है अच्छा ही होगा, अच्छा होगा हमारे लोग के लोगों को बैठे वाला शौक है, कैट और डॉग तो अच्छे अच्छी तरह के। अच्छा शादी का टॉपिक आपने छेड़ा था, शादी ईजी है यहाँ पे। अच्छा लेकिन कुछ लोग रखते हैं फिर थक जाते हैं वापस चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, थकना मतलब ये नहीं कि वो उनके माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो पहले यहाँ पे आप टाइम स्पेंड करें इन लोगों को समझो और फिर शादी करें। बिल्कुल, और ये बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बिल्कुल बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ काफ़ी लोगों ने की भी हुई है, मैंने यहाँ पे भी देखा और वो टिकटॉक पे भी एक कपल है, हाँ काफ़ी लोगों ने की है और काफ़ी लोग खुश हैं, खुश हैं, और माशाल्लाह ब्यूटी और हुसन यहाँ पे काफ़ी है, वो हर चीज़ प्यारी है, और पाकिस्तान और यहाँ पे नखरा उस काइंड का नहीं है, पाकिस्तान में मुश्किल से अगर कोई 20-30 में से कोई एक बच्ची कुछ थोड़ा सा वो मुंह मथे लगने वाली निकल जाती है वो तो पाकिस्तान में उसका इतना इतना उसका मतलब नखरा होता है, इतना नखरा होता है यहाँ पे हर कोई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ हर कोई माशाल्लाह हर कोई प्यारी है, एक से एक बढ़ के प्यारी है और नखरा कोई नहीं, हाँ फ्रेंडली है बिल्कुल। ये जरा लौंडे लपाड़े हैं यहाँ के, जैसे अपने लौंडे लपाड़े बाहर को निकल पूरी करने नहीं, हम तो ब्लॉग बनाने निकले हैं, देख हम तो रोज आते हैं घूमते फिर यहाँ पे, अब ये कैटेगरी दिखा सकते हैं सामने जो आ रही है घूम के, एकदम घूम के इसके पास है ओ। तो मेरे ख्याल से अब हम अपना व्लॉग भी एंड करते हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा बातें कवर हो गई, निज़ामी स्ट्रीट की भी कवर हो गई और यहाँ पे माशाल्लाह हुसन जो है उसकी भी क्लियर हो गई कवर हो गई, तो हुसन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो नामनासिब है कि बिला वजह ही वीडियो बनाना, ये हवाओं का शहर, हवाओं का शहर है, हवाएं चलती हैं, लोग ब्यूटीफुल है, बिल्कुल, और आपको उनके लड़के लड़कियाँ हर एक बंदा प्यारा नजर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज़ है, आए यहाँ पे विजिट करें, बिल्कुल विजिट करें और अवैस भाई के अवैस भाई को ढूंढे, अवैस भाई को ढूंढे क्योंकि ये यहाँ पे इनका हॉस्टल है और यहाँ पे आपको हर किस्म की सर्विसेज जो है वो एज ए टूरिस्ट गाइड आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, निज़ामी स्ट्रीट भी तकरीबन हमारी ख़त्म हो चुकी है और अब हम जाते हैं अपने घर की तरफ जहाँ पे पक रहा है पुलाव और पुलाव खाते हैं।